पता नहीं, लेकिन अचानक से काफी तेज से आवाज हुई और लाइट वगैरह सब बंद हो गई। सब काफी तेज से जो है चीखने पुकार मतलब चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं तुरंत उठा और मोटरसाइकिल उठाया, आया मोटरसाइकिल अगर देख रहा हूँ तो पूरा गांव टूटा हुआ है और एक बोगी से लोग लगभग रेस्क्यू कर लिए थे। एनडीआरएफ ने तो तीन तीन टीम हर 20 मिनट पर, उन्होंने कहा, मैंने जीजी से बात किया, 20 मिनट में उन्होंने एक टीम भेजा, फिर उन्होंने दूसरी टीम भेजा, तीसरी टीम भेजा और हर एक आधे घंटे पर 20-25 मिनट में मुझे खबर भी किया। देख रहे, भयावह दृश्य था। मैं तो यहाँ की जनता का दाद देता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग किया, प्रथम व्यक्ति आकर के लोगों ने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को खबर किया, जिलाध्यक्ष वो खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के भागते हुए सारे लोगों को टेलीफोन करके हजारों लोग यहाँ जुड़ गए। और एनडीआरएफ को मैंने 10 बजे के लगभग नौकछिया में मुझे खबर आई, मैंने रेल मंत्री से लेकर के तमाम प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी खबर भेजा, सबका इंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। जीएम और तमाम यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, डीजी, यहाँ के डीएम, तमाम बगल अगल के डीएम सबको खबर किया, हॉस्पिटल को अलर्ट किया, एम्स को, पीएमसीएच, सब जगह कि आपके यहाँ पेशेंट आ सकते हैं, आप डॉक्टर को बुलाओ। और यहाँ पर दर्जनों एम्बुलेंस गाड़ियाँ डॉक्टर के साथ लोग जगह जगह से पहुँचना शुरू हुआ, अन्य जिलों से भी। तो मैं जो लोग इस काम में, सेवा काम में लगे, जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनका और उनको साधुवाद देता हूँ। उनको सद्बुद्धि के कारण, उनके कुशल प्रयास से और तुलनीय प्रयास से हम बहुत लोगों की जान बचा पाए। मैं रात भर चल करके हॉस्पिटल का भी खबर ले रहा हूँ। एनडीआरएफ ने तो तीन तीन टीम हर 20 मिनट पर, उन्होंने कहा, मैंने जीजी से बात किया, 20 मिनट में उन्होंने एक टीम भेजा, फिर उन्होंने दूसरी टीम भेजा, तीसरी टीम भेजा और हर एक आधे घंटे पर 20-25 मिनट में मुझे खबर भी किया। सारे पदाधिकारियों ने दक्षतापूर्वक किया है, रेल के सारे पदाधिकारी अभी पहुंच चुके हैं, जांच चल रही है। पहले ट्रैफिक व्यवस्था को रात भर लोग बचाव कार्य में थे, अब राहत और बचाव का कार्य रात भर हुआ। हॉस्पिटल में भी बातचीत हुई है, वहां लोग आउट ऑफ डेंजर हैं, सारे लोग जो 20-25 के बीच संख्या है, जो ज्यादा घायल थे उनकी इलाज सकुशल हो रही है। हमारी टीम रेलवे की आ चुकी है, अब परिचालन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हैं और जांच पड़ताल चल रही है। प्रयागराज से कामाख्या को क्या एसी में थे क्या सर? ये तो पता नहीं, लेकिन अचानक से काफी तेज से आवाज हुई और लाइट वगैरह सब बंद हो गई। सब काफी तेज से जो है चीखने पुकार मतलब चिल्लाने की आवाजें आने लगी सर। तो हम किसी तरह वहां से दबे हुए थे, हम किसी तरह अपने आप को वहां से निकाल करके यहाँ आए सर। लोग गिर गए थे, बर्थ मेरे ऊपर गिरी थी जी, छूट रहा है। मैं तो आनंद विहार न्यू जलपाईगुड़ी, मैं M1 में, बता नहीं जी, मैं तो सोया हुआ था, वैसे जाग आई तो हॉस्पिटल में ही था सुबह, इतना याद है, पता नहीं जी मुझे। मैं दवा खा के सो रहा था घर पे, 10 बजे रहे थे करीब, और उस समय एक छोटा बच्चा आया और बोला कि बाबा ट्रेन पलट गई है। मैंने सोचा कि बच्चा कह रहा था कोई जरूर ऐसा हुआ होगा। मैं तुरंत उठा और मोटरसाइकिल उठाया, आया मोटरसाइकिल अगर देख रहा हूँ तो पूरा गांव टूटा हुआ है और एक बोगी से लोग लगभग रेस्क्यू कर लिए थे। जो 27 बोगी है, जो ज़्यादा इंजर्ड उसमें लोग थे, उसको तोड़ा जा रहा था, उसके कांच तोड़े जा रहे थे, उसमें से हम लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया और लोगों को स्ट्रेचर पर लाद लाद करके
और एम्बुलेंस तक लाते थे, एम्बुलेंस से यहाँ पर, और पूरा पूरा गांव लगा रहा। लोगों के लगने के बाद, गांव के लगने के बाद लगभग एक घंटे बाद प्रशासन पहुंचा है। बहुत प्यारा दृश्य था। जी जी जी, जी।